नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया समाचार। योगी जी, आपकी सरकार में दर दर भटक रही ससहाय पीड़ित वृद्ध महिला को नहीं मिल पा रहा है न्याय। योगी जी, दबंगों के आगे पुलिस नतमस्तक या मिली भगत, तो इस असहाय पीड़ित वृद्ध महिला को कैसे मिलेगा न्याय? जब जिलाधिकारी महोदय के आदेश और उप जिलाधिकारी महोदय के आदेश का पालन संबंधित थाना क्षेत्र की पुलिस नहीं कर रही है, तो कैसे मिल पाएगा वृद्ध महिला को न्याय? जब अधिकारी संबंधित थाना क्षेत्र की पुलिस इस असहाय वृद्ध महिला की समस्या को सुनने को तैयार ही नहीं है, तो कैसे मिलेगा न्याय? योगी जी, यह कैसी है आपकी न्याय की सरकार? दर्शकों, आपको दिखाते चले कि मामला यूपी के बाराबंकी तहसील सिरौली गौसपुर थाना सफदरगंज अंतर्गत क्षेत्र के दुर्जनपुर पट्टी से संबंधित सार्वजनिक रास्ता व नीम पेड़ के चबूतरे की भूमि से जुड़ा हुआ मामला है, जो इसी गाँव की निवासी इस्लामुन्निशा पत्नी अली अहमद। ग्रामवासियों का भी यही कहना है कि इस विवादित स्थल पर पूर्व सार्वजनिक रास्ते में नीम का पेड़ चबूतरा था, जिस पर भूमि पूर्व में सभी किसी का कब्जा नहीं था। ग्रामवासियों का कहना है कि इसी चबूतरे पर लोग बैठते थे, जिस पर अब रुवेदा पत्नी तवाब उसके लड़के अयूब ने सार्वजनिक रास्ता को चबूतरे की भूमि पर अवैध रूप से निर्माण करके कब्जा कर लेना चाहा है, जिसे रोका जाना, कार्रवाई होना सार्वजनिक हित में अति आवश्यक है। वासियों से दुर्जनपुर पट्टी पीड़ित असहाय वृद्ध महिला इस्लामुन्निशा निवासी पट्टी दुर्जनपुर। बाइट विजुअल खबर के साथ संवाददाता विजय सिंह, सिरौली गौसपुर बाराबंकी। जो हक है नाम है आपका चाचा? क्या है मामला पूरा प्रकरण, ये बताइए। जमीन का, ये जमीन तो बहुत ऐसे पड़ी रहे और ये सब मकान भी पहले नहीं इधर आगे बने रहे जब हम आए हैं, और ये सब कुछ नहीं रहे, और इधर सब आदमी निकलत रहे और दुकानें भी लगत रहे। पहले गल्ला जो है ऐसे सब बांटत रहे, बेचत रहे, तो सब दुकान लगत रहे और सब निकलत बैठत रहे, कोई मतलब वो नहीं रहे। और यहाँ पर कुआ भी था, सबेल भी होती थी, मतलब हाँ वही बता रहे तो सही बताइए, आप खुलकर बताइए, दबने की बात नहीं है, बता नहीं बता रहे, जो आप पूछो हम बताइए। जी, ये नीम जू का पेड़ लगा हुआ है, इस पर पहले जो आप बता रहे हैं, तो मैं छाही नीचे सब बैठत रहे, गल्ला बेचत रहे, इस पर अभी निर्माण हो रहा है। हाँ, जो नीम का जो पेड़ लगा है, हाँ, ये स्थान से संबंधित जो जमीन का विवाद आपका है, हाँ, दूसरे पक्ष से जिसका नाम आप बता रही थी अभी, हाँ, क्या इस संबंध में आपने किसी अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया है? 2007 में सुलह समझौता हुआ था, उसमें के दोनों ओर रास्ता रहेगा। ये आपकी कौन है, आपके क्या नाम है? मेरा हम बताइए आप क्या हम 2007 में शायद हुआ था, ये जब बना था तो खुद डाला गया था, तो सुलह समझौता हुआ था, कुएं के दोनों ओर रास्ता था, तो पांच फुट इधर पांच फुट इधर रास्ता होगा, लेकिन इधर हमारी तरफ तो है, लेकिन इधर रास्ता खत्म करके इमारत बना दी गई, इमारत बना दी गई। बोलते हैं तो मारने बोलते हैं, मार धाड़ के लिए तैयार हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा, लेकिन सुलह समझौता नहीं माना इन लोगों, दो बार किसी बार उसके खाने में पूरा गमन कर लिया गया। तो यहाँ पे जो है वही जो जमीन है, अभी हम अगले ये आपके आने वाले जो जा चुका है, पिछला सनीचर यहाँ पे पुलिस वाले आए थे, और उसके बाद में उन्होंने कहा, यहाँ पे पूछा देखा बोला, उसके बाद में कहने लगे कि ये भाई क्या है, तो कहने लगे कि ये कागज़ देखे, कहने लगे सिपाही कि ये दरवाज़ा कहाँ लगेगा, तो इन्होंने बताया कि ये एक दरवाज़ा लगेगा उस तरफ लगेगा साइड में, फिर कहा कि यहाँ इधर क्या होगा, कहने लगे कि इधर कुछ नहीं होगा, हाँ कमरा के है, हाँ अरे बोले तो बोले कुछ नहीं होगा, फिर जो है ये इससे नापा गया, और उसके बाद में कहने लगे कि ये कितना छूटा है, तो ये 8.5 फीट वहाँ पे था, कहने लगे ये इसमें तो 6 फीट छूटा हुआ है जगह से, फिर जो है वो 8 फीट कैसे कुएं से लेके फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बारे में ये दोनों जने का जो है मतलब काम रुका है कि, और उसके बाद में थाने बुला के फिर ये गए या नहीं गए, वो गए या नहीं गए, भाई यहाँ के हम घर के रहने वाले नहीं है, लेकिन इसके बारे में ये इतना जरूर मालूम है कि यहाँ पे कुआ बना है,
और ये जगत है, यहाँ पे ताजिये तो रखते नहीं है, वो आते हैं अल्लाम आते हैं, अल्लाम रखे जाते हैं, यहाँ पे सबीर होती है। अब नहीं रखे जाते, सबीर होती है। अब ये दो साल ये जब से लॉकडाउन लगा है तब से कुछ भी नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है, ये तो यहाँ तो छोड़ दो, पूरे हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है। अब ये जैसे बना हुआ है, गलती एक की नहीं है, गलती यहाँ पे सारे लोगों की गलती है, गलती सारे लोगों की है। अगर एक की गलती होती तो कोई बात नहीं होती, सब तो सब दबा लेते, ये सारे लोगों की गलती है। ये जितना बनाया गया है सारे लोग बढ़ 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 के बना दिया है। अब इसमें क्या है, जिसकी लाठी है उसकी भैंस है, लाठी नहीं है तो भैंस नहीं है। कितने लोगों ने बढ़ बढ़ के क्या नाम है घर पर रहे हैं हमें जानकारी नहीं है, उधर मुन्ना है, इधर ये वो है, उधर रोशन भाई जैसे यकीन रखी है, ये सब गलत है। ये रोशन भाई हमारे बाप नहीं है, रोशन भाई से हमसे दोस्ती है लेकिन बाप हमारे नहीं है, लेकिन जो गलत करेगा वो गलत है। रोशन भाई जो है गलत किया है कि टीन के रास्ते में, अगर कहते हैं कि रास्ते में तो रास्ते में बिल्कुल रास्ते में, ये मकान रास्ते में बना हुआ है, रास्ते में है तो है, दुनिया कहेगी रास्ते में। वो जैसे ये जैसे किया ये इधर आगे बढ़ा हुआ है, ये आगे बढ़ा हुआ है, ये बिल्कुल आगे बढ़ा हुआ है, लेकिन अब क्या किया जाए भाई, जब सारे लोग डकैते हैं तो क्या करें, हम लोग कमजोर आदमी है सब।